गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की इंट्रोडक्शन करेंगे इससे पहले भी मैं ये चैप्टर करवा चुका हूँ वो मैंने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से करवाया है अब हम एन सी आर टी मैथ्स को करना स्टार्ट करेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी है सबसे पहले ऑर्डर पेयर वैसे रिलेशन एंड फंक्शन आप इलेवेंथ क्लास में भी कर चुके हो इलेवेंथ चैप्टर में सेकंड जो चैप्टर है आप आपने उसमें रिलेशन एंड फंक्शन किया है उसमें आपने ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ा था तो ऑर्डर पेयर क्या है जिन बच्चों ने इलेवेंथ क्लास में इस चैप्टर को नहीं किया है तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ ऑर्डर पेयर क्या है स्टूडेंट्स ऑर्डर पे देखिए नाम से ही क्लियर है ऑर्डर पेयर जब एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए तो उसे बोला जाता है यानी स्पेसिफिक ऑर्डर में और टू एलिमेंट को लिखा जाए पेयर मीन्स टू एलिमेंट अब ऑर्डर मीन्स स्पेसिफिक ऑर्डर यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाए दैट इज ऑर्डर पेयर तो सपोज लेट ए एंड बी लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी क्या है टू नॉन एम्प्टी सेट है नॉन एम टी सेट मीन्स खाली नहीं है स्टूडेंट्स और लेट ए बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है ए सेट से बिलोंग करता है और बी कहाँ से करता है सेट बी से करता है देन हम ए को बी ए को बी उसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो इस तरह से देखें दो एलिमेंट को लिखा गया यानी पेयर में लिखा गया एलिमेंट को और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा गया तो इसको बोलेंगे हम ऑर्डर पेयर देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म देन एन एलिमेंट यानी देन दिस फॉर्म इज नॉन एज ओर्डर पेयर ओर्डर पेयर तो स्टूडेंट्स जैसे सपोज मेरे पास एक ए सेट है वन टू थ्री और बी सेट है मेरे पास एक्स वाई जेड अब मैंने क्या किया एक एलिमेंट ए से वन लिया और बी से एक्स लिया और उसको यहाँ पे लिख दिया और हमने लिख दिया यानी इज सच दैट एक्स जो वन है वो कहाँ से है फ्रॉम सेट ए से बिलोंग करता है और एक्स कहाँ से करता है फ्रॉम सेट बी से करता है तो यानी दिस फॉर्म इज नोन एज ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर अब जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं दो ऑर्डर पेयर मीन्स जैसे मेरे पास एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू है मेरे पास वन कोमा टू हेयर टू ओर्डर पेयर आर इक्वल इफ टू ओ ओडर पेयर आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मीन्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वन के एंड वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टू के इफ टू ओ ओडर पेयर आर इक्वल देन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट और दूसरा स्टूडेंट्स ए कोमा बी कभी बी कोमा ए के इक्वल नहीं हो सकता ए बी इज नो नेवर इक्वल टू बी कोमा ए ये अगर इक्वल होंगे इफ़ ये फर्स्ट इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए है अगर ए बी और बी इक्वल है इट मीन्स इट मीन्स इसका मतलब होगा कि हमारे पास ए किसके इक्वल है बी के इक्वल है तब ए बी और बी ए क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे अदरवाइज ए बी और बी ए हमारे पास इक्वल नहीं होते अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमें जो टर्म पता होनी चाहिए वो है कार्टिजिन प्रोडक्ट कार्टिजिन प्रोडक्ट भी आप प्लस वन में कर चुके हैं स्टूडेंट्स कार्टिजिन प्रोडक्ट कार्टिजिन प्रोडक्ट और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं लेकिन मैंने कहा जो बच्चे प्लस वन नहीं करके आए तो उन बच्चों के लिए ये मेन है ये चीज़ समझना तो कार्टिजिन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं तो वट इज कार्टिजिन प्रोडक्ट लेट ए एंड बी हमारे पास टू नॉन एम्पटी सेट है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प टी सेट टू नॉन एम्प टी सेट ए और बी क्या है हमारे पास दो नॉन एम्पटी सेट है दर्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट द कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ए और बी की कार्टिजन प्रोडक्ट को हम लिखेंगे इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी इसको ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे एंड इसका मतलब ये होगा एंड uh, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करें एंड इज डिफाइंड ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो किस तरह के होंगे एंड इज डिफाइंड ऑफ द सेट सेफ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑल ऑर्डर पेयर ए कु बी यानी ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म के होंगे इस तरह की ऑर्डर पेयर की फॉर्म के होंगे इज सच दैट यानी इज सच दैट वेयर यानी वेयर जो ए बिलोंग करेगा वो पहले सेट से करेगा और बी बिलोंग करेगा वो दूसरे सेट से करेगा तो इसमें ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट होंगे जो इस तरह की फॉर्म के होंगे यानी हमारे पास अगर दो सेट हैं सपोज लेट मेरे पास एक ए सेट है अगेन ये वन कोमा टू और बी सेट है मेरे पास ए कोमा बी तो ए क्रॉस बी क्या होगा स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर का सेट होगा देखिए ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन विच ऑल ऑर्डर पेयर ए बी इन विच ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू डी यानी ए तो यानी पहला एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर का सेट होगा यानी सेट ऑफ सेट को हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स यानी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए से और दूसरा बी से पहला एलिमेंट ए से वन लिया और बी से मैंने लिया ए तो वन कोमा ए ये ऑर्डर पेयर हो गया स्टूडेंट्स और ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स वन कोमा बी पहला एलिमेंट ए से वन और बी से हमारे पास बी ले लिया और टू कोमा ए हो सकता है और टू कोमा बी भी हो सकता है अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो ए से ए सेट से है और दूसरा एलिमेंट बी से है तो ये क्या हो गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कार्टिजिन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट अगर स्टूडेंट्स हम मेरे पास ए में मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स वन कोमा टू और बी मेरे पास क्या है फाइव सेट है फाइव मीन्स एम टी सेट है तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या आएगा एम टी सेट आएगा यानी एमपटी सेट का क्या होगा एम्पटी सेट मीनस कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा हमारे पास ए करोस बी में तो दिस इज कार्टीजन प्रोडक्ट और जिसको हम क्या कहते हैं ए करोस बी तो स्टूडेंट्स ए करोस बी भी हमारे पास हेयर अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ इफ़ बी क्रॉस ए करूँ तो बी क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट होंगे यानी बी क्रॉस में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से होगा और सेकेंड एलिमेंट किससे होगा ए से यानी अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ स्टूडेंट्स तो वो क्या आएगा मेरे पास पहला एलिमेंट बी से दूसरा ऐसे यानी ए वन ए टू बी वन बी टू तो ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे इट मीन्स ए क्रॉस बी मेरे पास यार बी क्रॉस से ये आया है. तो ए करॉस बीज हेयर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अब स्टूडेंट्स अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं ए क्रॉस बी में वो कितने होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी तो आएगा स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर मैं यहां पे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने दो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने दो तो दो गुना दो यानी चार हो जाएंगे टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएंगे अब आप देख सकते हो एक दो तीन चार क्योंकि एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है ए क्रॉस बी का तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर हैं चार ऑर्डर पेर हैं तो चार एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी में तो यानी ए क्रॉस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन नहीं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला पता चल गया और स्टूडेंट्स अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के इक्वल है तो हम उन दोनों सेट को क्या कहेंगे इक्वेलेंट सेट तो हम क्या कहेंगे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वेलेंट सेट सो ए क्रॉस बी इफ ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वेलेंट सेट आर इक्वेलेंट सेट नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास अगर ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना हो तो ऑर्डर ट्रिपलेट किस तरह से होगा इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट होगा ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे होगा स्टूडेंट्स देखिए अगर मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी मुझे निकालना है तो मैं इस तरह से लूँगा ट्रिपलेट यानी तीन एलिमेंट लूंगा ए बी सी यानी और वो किस तरह से लूँगा इज सच दैट ए पहले सेट से होगा बी दूसरे सेट से होगा और सी कौन से होगा थर्ड सेट से यानी सी से होगा इफ वी हैव ए बी सी थ्री सेट्स इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स तो इसको कहेंगे हम ऑर्डर रिप्लेट जब हम तीन एलिमेंट को लेंगे एक साथ में अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध यानी हमारे पास टू क्वांटिटी या टू एलिमेंट और टू पर्सन्स जब एक दूसरे को इसके साथ रिलेट करते हैं मींस टू पर्सन्स के बीच में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो किस तरह की होगी पहला दूसरे का फादर हो सकता है पहले दूसरे की मदर भी हो सकती है दूसरे का ब्रदर भी, भी हो सकता है, दूसरे सिस्टर भी हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हम देख सकते हैं दो पर्सन के बीच में इसी तरह से हम मैथमेटिक्स में जब दो एलिमेंट लेंगे हम दो क्वांटिटी लेंगे तो उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हो सकती है यानी रिलेशन का मतलब क्या है दिवार्ड रिलेशन रिलेशन मीन्स संबंध यानी पहले का दूसरे के साथ संबंध तो दर्ड रिलेशन इन सेंस या मीन सेंस दैट टू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी क्वांटिटी आर रिलेटिड टू ईच अदर रिलेटिड टू ईच अदर एक दूसरे के साथ जो रिलेट करते हो तो उसको बोला जाएगा रिलेशन और कोनेक्सन भी कह सकते हैं हम यानि जब दो क्वान्टिट्टी के बीच में किसी तरह का कोई कोनेक्सन हो यानी और कोनेक्सन बिटवीन टू कोनेक्शन बिटवीन टू फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा वी हैव ए क्या है ए इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स सपोज ए हमारे पास स्टूडेंट का सेट है मोहन रोहन और श्याम दीज आर दी स्टूडेंट्स एंड ए इज द सेट ऑफ दी स्टूडेंट्स एंड सेट ऑफ फादर क्या है यानी बी क्या है यानी ए क्या है हमारे पास इज ए सैट ऑफ स्टूडेंट्स यानी हम इसको कहेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स और बी है हमारे पास बी इज सेट ऑफ फादर सेट ऑफ फादर तो फादर्स का जो सेट है फादर्स क्या है हमेरे पास उसमें आ गया हमारे पास सपोज अंकित रोहित और पवन तो ये मेरे पास क्या है सेट ऑफ फादर अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं देयर इज ए रिलेशन देयर इज ए रिलेशन रिलेशन इज चाइल्ड ऑफ चाइल्ड ऑफ बिटवीन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इसने हमने एक रिलेशन डिफाइन किया रिलेशन क्या है इज चाइल्ड ऑफ इज चाइल्ड ऑफ मीन ए एंड बी में क्या है इज चाइल्ड ऑफ की रिलेशन है यानी यानी जो फर्स्ट जो सेट में स्टूडेंट है और सेकेंड सेट में उनके फादर हैं यानी मोहन के फादर कौन है अंकित रोहन के फादर कौन है रोहित और शाम के फादर कौन है पवन यानी इस रिलेशन को हम फिर किस तरह से लिख सकते हैं यानी मोहन किसके साथ रिलेट करता है मोहन रिलेट विद अंकित रोहन रिलेट विद रोहन रिलेट विद रोहित मैंने आर लिख दिया और शाम रिलेट विद शाम शाम रिलेट विद पवन तो दिस इज आ रिलेशन यानी आर लिख दिया और इसी रिलेशन को हम दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आर इज न, क्या है रिलेशन रिलेशन क्या है मेरे पास यानी मोहन की अंकित के साथ है यानी मोहन यानी मोहन के के फादर कौन है अंकित और रोहन के फादर कौन है रोहन के फादर कौन है रोहित और शाम के फादर कौन है शाम की रिलेशन किसके साथ हैं पवन के साथ तो इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स और तीसरा वे हमारे पास है रिलेशन हमारे पास और मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ यानी मेरे पास एक एक्स है दूसरा वाई है यानी ये तो हमने इसकी रिलेशन डिफाइन कर दी है और रिलेशन को लिखने का भी क्या है स्टूडेंट्स यानी एक एक्स है एक वाई है इज सच दैट ये सच दैट मीनिंग एक्स और वाई का मतलब क्या है यानी एक्स कहाँ से बिलोंग करता है ए सेट से करता है और वाई कहाँ से करता है बी सेट से करता है यानी एक्स की रिलेशन किसके साथ है मेरे पास वाई के साथ है तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो जो ए टू बी मेरे पास रिलेशन है ये जो ए टू बी यानी ए टू बी यानी ए में क्या है सन है और बी क्या है फादर है यानी ए ए टू बी जो रिलेशन है रिलेशन में जो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर के सेट है यानी ऑर्डर पेयर के सेट हैं तो ये किसके हमारे पास सबसेट है? है, सब है ये जो रिलेशन है किसका सबसेट है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ स्टूडेंट्स आप देखोगे तो मोहन के साथ कौन आ जाएगा यानी पहला एलिमेंट ए से और दूसरा बी से मोहन के साथ अंकित मोहन के साथ रोहित मोहन के साथ पवन यानी मोहन के साथ अंकित मोहन के साथ रोहित और मोहन के साथ पवन इसी तरह से स्टूडेंट्स रोहन के साथ अंकित रोहन के साथ रोहित रोहन के साथ पवन क्योंकि एक रोज बी का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से रोहन के साथ अंकित रोहन के साथ रोहित और रोहन के साथ पवन रोहन के साथ कौन आया पवन आ गया अब इसी तरह से स्टूडेंट्स शाम के साथ अंकित रोहित और पवन आ जाएंगे शाम अंकित और उसके बाद स्टूडेंट्स शाम के साथ रोहित और शाम के साथ कौन आ गया पवन तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर पेयर थे वो सभी ऑर्डर पेयर अगर ए टू बी रिलेशन थी अगर ए टू बी था यानी पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से तो फिर वो किसका सबसेट था ए क्रॉस बी क्योंकि ये सभी एलिमेंट यानी मोहन रोहित र, मोहन अंकित रोहन रोहित श्याम पवन जितने भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन में वो सभी ए क्रॉस बी में मिलेंगे मोहन अंकित मिल गया रोहन रोहित मिल गया और श्याम पवन मिल गए देखिए यानी ये क्या है यानी रिलेशन क्या है रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए करोस बी यानी रिलेशन क्या है हमारे पास ए करोस बी का सबसेट है अगर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है ए टू बी है यानी फिर यहाँ से मेरे पास दूसरी डेफिनेशन बन गई यानी रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स यानी रिलेशन की मेरे पास डेफिनेशन बन गई दूसरी क्या हुई यानी इफ़ ए एंड बी लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्पटी सेट देन एनी सबसेट एनी सबसेट फ्रॉ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कोई भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कार्ड क्या कहेंगे कार्ड ए रिलेशन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू बी तो रिलेशन क्या है यानी सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का अब स्टूडेंट्स डोमेन एंड रेंज ऑफ आर डोमेन वैसे हमने प्लस वन में किया है डोमेन ऑफ आर तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ आर ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर इन आर इन आर आर डोमेन एंड रेंज क्या है स्टूडेंट्स रेंज है सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट मींस अगर हम यहां पे डोमेन और ये ये हमारे पास रिलेशन थी तो मोहन रोहन और शाम यहां पे क्या है डोमेन है यानी डोमेन यहां पे एग्जांपल में डोमेन क्या है मोहन रोहन और शाम और रेंज क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज है यहां पे अंकित रोहित और पवन यानी अंकित रोहित यानी सेकंड कंपोनेंट को क्या बोला जाता है एंड पवन आर दी एलिमेंट्स ऑफ रेंज अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन ये कई बार यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है नंबर ऑफ रिलेशन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू बी किसी सेट ए से बी तक नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो सकती है तो नंबर ऑफ़ रिलेशन का फार्मूला है स्टूडेंट्स इफ़ देयर आर देयर आर एम एलिमेंट्स इन ए एंड एन एलिमेंट्स इन बी अगर ए सेट में हमारे पास एम एलिमेंट है और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं एन एलिमेंट है तो देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितनी होगी देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी रहेगी स्टूडेंट फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू बी वो आएगी स्टूडेंट टू रेस्ट पावर एम इन एन तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला हमारे पास क्या मिल गया टू रेस्ट टू पावर एम इन टू एन अब स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन तो रिलेशन के टाइप्स अब स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें पता है स्टूडेंट्स रिलेशन इज क्या है है एक क्रॉस बी का तो वी नो हमें पता है स्टूडेंट्स नो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन तो बहुत सारी रिलेशन होंगी हमारे पास बहुत तरह बहुत तरह की हमारे पास रिलेशन होगी तो फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास नंबर वन है आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स ए रिलेशन ए रिलेशन आर इन ए रिलेशन आर इन सेट ए यानी एक रिलेशन को हम किसी सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए रिलेशन आर इन दी सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ए कोमा ए वियर इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए यानी एक रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे किसी सेट के ऊपर अगर उसमें जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं उसके सभी एलिमेंट अपने आप से क्या करते हो रिलेट करते हो सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हो जैसे सपोज करें मेरे पास एक ए सेट है यानी किसी सेट के ऊपर हम यानी रिलेशन ऑन एनी सेट यानी किसी सेट के ऊपर रिलेशन हम देख रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन कब होगी कि? किसी सेट के ऊपर सपोज करो मेरे पास ए सेट है वन कोमा टू कोमा वन कोमा टू कोमा थ्री और रिलेशन है स्टूडेंट्स मेरे पास वन वन टू टू थ्री थ्री तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं वो सभी अपने आप से रिलेट करें वन का वन के साथ रिलेशन टू का टू के साथ थ्री का थ्री के साथ तो इस तरह की रिलेशन को क्या कहेंगे हम तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या है आइडेंटिटी रिलेशन है यानी एक रिलेशन में जब हमारे पास सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करें दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड है हमारे पास जो सेकंड रिलेशन है वो कौन सी है यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन देखिए नाम से ही क्लियर है यानी सभी रिलेशन यूनिवर्सल मीन्स सब कुछ आ जाए जिसमें यानी एक ऐसी रिलेशन जिसमें सभी तरह की रिलेशन आ जाए दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन यानी यानी एक रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे ए रिलेशन ए रिलेशन आर ओन सेट ए ओन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे कब कहेंगे स्टूडेंट्स यूनिवर्सल रिलेशन ओन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए मीन्स जो रिलेशन किसके इक्वल आए यानी रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल आए तो उसको हम कहेंगे रिलेशन यानी उसमें सब सभी तरह के हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाने चाहिए यानी जैसे सपोज मेरे पास एक ए, ए सेट है ए है मेरे पास वन टू थ्री अब रिलेशन है मेरे पास स्टूडेंट्स वन का वन के साथ भी हो गया वन का टू के साथ भी हो गया वन का थ्री के साथ भी हो गया और वन का यानी टू का वन के साथ भी हो गया टू का टू के साथ भी हो गया टू का थ्री के साथ भी हो गया और थ्री का वन के साथ भी हो गया थ्री का टू के साथ भी हो गया और थ्री का थ्री के साथ भी होगा आप देखिए स्टूडेंट्स यानी अगर मैं एक रो से निकालूं, यानी ये एक रो से के इक्वल है यानी अगर मैं एक रो से निकालूं, तो हमारे पास ये क्या आएगा वो यही आएगा स्टूडेंट्स यानी पहला एलिमेंट ऐसे, यानी वन टू थ्री और दूसरा एलिमेंट क्रॉस वन टू थ्री यानी पहला एलिमेंट ऐसे वन के साथ वन लिया वन के साथ टू वन के साथ थ्री अब टू के साथ वन टू के साथ टू टू के साथ थ्री थ्री का के साथ वन थ्री के साथ टू लिया और थ्री के साथ थ्री अब देखिए इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट है वो एक ए सेट के जितने भी एलिमेंट वो सभी एलिमेंट यानी जितने भी ए के एलिमेंट है वो प्रत्येक ए का प्रत्येक एलिमेंट सभी एलिमेंट से जो ले, ए में एलिमेंट है उन सबके साथ रिलेट कर रहा है यानी ए का वन का वन के साथ भी वन का टू के साथ वन का थ्री के साथ भी है टू का वन के साथ भी है टू का टू के साथ टू का थ्री के साथ यानी वे जितने भी एलिमेंट है के, उसमें सबके साथ रिलेट कर रहे हैं इट मीन्स दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन इससे ज्यादा रिलेशन हम नहीं बना सकते तो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन यानी इसमें सभी तरह सभी रिलेशन आ गई अब यूनिवर्सल में से अगर मैं ये कहूँ आइडेंटिटी रिलेशन निकालो तो आइडेंटिटी वाली तो सिर्फ वन वन टू टू और थ्री थ्री वाली आइडेंटिटी है लेकिन इसमें आइडेंटिटी रिलेशन भी आती है वर्ड रिलेशन भी आती है सभी तरह की रिलेशन हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन में आते हैं तो इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन को हम किसके इक्वल कहेंगे ए क्रोस ए के इक्वल कहेंगे तो मैंने लिखा ना आर इज इक्वल टू ए करोस एनि ए करोस ए के सभी एलिमेंट इसमें आ गए क्यों क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन यानी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन कितनी बन सकती हैं जितने ए में एक करोस ए में एलिमेंट उतने ही बन सकती है यानी ए टू बी हमारे पास रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बन सकती है ए की बी के साथ यानी जो एक क्रॉस बी में हमारे पास क्या आएंगे एलिमेंट आएंगे यानी आर को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे अगर आर के आर किसके इक्वल है एक क्रॉस ए के इक्वल है यानी इसके सभी एलिमेंट की सभी एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए रिलेट होने चाहिए यानी रिलेशन होनी चाहिए दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स थर्ड है हमारे पास वर्ड रिलेशन वर्ड यानी एम्प्टी वर्ड कहेंगे और एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन यानी कोई रिलेशन जो बने ही ना उसको हम वर्ड रिलेशन कहेंगे ए रिलेशन आर ए रिलेशन आर इन ए सेट ए सेट ए इज कॉल्ड इज कॉल्ड ए वर्ड रिलेशन वर्ड रि और एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी मीन्स खाली एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट नो एलिमेंट्स एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटिड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एनी एलिमेंट ऑफ ए यानी कोई भी ए का एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से रिलेट ना करे ऑफ ए दिस इज वर्ड रिलेशन यानी आर किसके इक्वल आए फाइव के इक्वल आए यानी yani, आर में कोई भी एलिमेंट ना आए तो और फाइव क्या है स्टूडेंट्स इज सबसेट है हमें पता है ए क्रोस ए का क्या है सबसेट ये तो हमें पता है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स लेट मेरे पास लेट मेरे पास एक ए सेट है ए क्या है वन टू थ्री और रिलेशन है मेरे पास इस तरह से है ए कोमा बी इज सच दैट ए माइनस बी या हम ये कहें a प्लस बी कहें या a माइनस बी ए माइनस बी किसकेक्वल आना चाहिए हमारे पास सेवन के इक्वल आना चाहिए अब देखिए स्टूडेंट्स a अगर मैं यहाँ पे वन लेता हूँ यानी पहला एलिमेंट भी ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी ए से लेना है तो यानी या हम एक रो से एक देखते हैं स्टूडेंट्स यानी एक रो से अगर मैं निकालूँ तो एक रो से क्या आएगा स्टूडेंट्स यानी वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री अब स्टूडेंट्स आप देखोगे कि यहाँ पे जो ए क्रॉस ए में एलिमेंट हैं तो इसमें कोई भी पे ऐसा नहीं जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या आए हमारे पास सेवन आए तो है कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है इट मीन्स यानी क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होगी वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगी यानी हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा यानी ए का ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट रहें जिसको हम उसी के साथ रिलेट करें उसके किसी भी एलिमेंट के ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट करें ताकि उनका डिफरेंस सेवन आए तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास एक रो से की टोटल रिलेशन कितनी बनी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो नौ में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिनका डिफरेंस क्या आए सेवन आए तो हम कहेंगे आर इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास एम टी रिलेशन यानी हमारे पास क्या आई फाइव आ गई यानी आर इज ए वर्ड रिलेशन आर सो आर इज एम टी रिलेशन सो आर इज एम्प्टी रिलेशन तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है ये लार्जेस्ट रिलेशन है और जो एम्प्टी रिलेशन है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट रिलेशन है किसी भी सेट की लार्जेस्ट अगर वो पूछता है लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिलेशन क्या है हमारे पास किसी भी सेट की वो है यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन एंड स्मोलेस्ट रिलेशन क्या है स्मॉलेस्ट रिलेशन है वो है हमारे पास एम्पटी रिलेशन यानी खाली रिलेशन रिलेशन तो इन रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं तो दीज रिलेशन आर रिलेशन आर आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन ट्रिवियल रिलेशन इन रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन क्या है नंबर थर्ड करते हैं हम नंबर फोर्थ करते हैं इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन तो इनवर्स रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स यानी इफ आर इज रिलेशन इनवर्स मींस उल्टा यानी अगर आर रिलेशन है हमारे पास रिलेशन फ्रॉम ए टू बी

रिलेशन एंड इसको किससे डिनोट एंड डीटेड बाई डिनोट बाय आर इनवर्स आर इनवर्स यानी स्टूडेंट्स अगर मेरे पास ए बी कहाँ से बिलोंग करता है मेरे पास आर से करता है तो बी ए कहाँ से करेगा मेरे पास बी ए कहाँ से करेगा बिलोंग टू आर इनवर्स सच दैट सच दैट यानी ए बी अगर आर से करता है ए कहाँ से करेगा ए से और बी कहाँ से करेगा बी से तो बी ए में आर इनवर्स से करेगा मीन्स बी कहाँ से करेगा ये स्मॉल बी है जो पहला एलिमेंट वो बी से करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से करेगा बिलोंग ए से करेगा तो इसको कहेंगे हम इनवर्स रिलेशन अब स्टूडेंट्स जैसे मेरे पास आर एक रिलेशन है मेरे पास वन टू थ्री फोर एंड इसका इनवर्स क्या आएगा स्टूडेंट्स इनवर्स आएगा मेरे पास uh, क्या आएगा टू वन फोर थ्री यानी पहला एलिमेंट दूसरा लिख दिया दूसरे की जगह पहला लिख दिया तो दिस इज़ आर इनवर्स यानी हम ये कह सकते हैं जो डोमेन है डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो किसके इक्वल है डोमेन यानी डोमेन क्या है आर आर की आर यानी आर इनवर्स की डोमेन है जो इसकी रेंज थी आर की ये देखिए रेंज है ना आर की फर्स्ट एलिमेंट तो है आर के सेकेंड एलिमेंट आर के रेंज है तो यानी इसकी डोमेन है जो इसकी रेंज थी डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर डोमेन ऑफ आर अब स्टूडेंट्स हम जो फिफ्थ रिलेशन करेंगे वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव अब जो रिफ्लेक्सिव इसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक और उसके बाद करेंगे ट्रांसटिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिक्स करेंगे हम सिमेट्रिक तो और सेवन्थ करेंगे ट्रांसटिव रिलेशन तो सिमेट्रिक और ट्रांसटिव ये तीनों ही रिलेशन स्टूडेंट्स आपको आनी चाहिए तो ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज है यानी एन सी आर टी में वो सिर्फ इन्हीं रिफ्लैक्सीट्रिक और ट्रांसटिव एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड हैं तो आपको ये तीनों ही रिलेशन जरूर आनी चाहिए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में ये फर्स्ट टू एक्सरसाइज इन तीनों रिलेशन के ऊपर बेस्ड है लेकिन एन में फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली इन तीनों ही रिलेशन के ऊपर बेस्ड है तो वट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स ए रिलेशन ध्यान से समझिएगा ए रिलेशन आर ओन ए नॉन एम्प्टी सेट ओन नॉन एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लैक्सिव इफ ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए यानी इसका मतलब है कि एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे उस सेट के ऊपर अगर उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो अपने आप से संबंध करता हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए अब आप लोग सोच रहे हो सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी ऐसा था तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्स में क्या डिफरेंस रहेगा इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ए ए बिलोंग्स टू कहाँ से करना चाहिए हमारे पास ए ए अगर आर से बिलोंग करता है तो हमारे पास ए किस में बिलोंग करना चाहिए ए में करना चाहिए देखिए जैसे सपोज मेरे पास ए एक सेट है ये वन टू थ्री और आर मेरे पास एक रिलेशन है वन 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 टू 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 थ्री 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 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हो जो फॉर ईच एलिमेंट वन टू थ्री फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यानी जितने भी एलिमेंट हमारे ए से बिलोंग कर रहे हैं उनका ए ए हमारे पास आर में होना चाहिए यानी फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए ए मस्ट बी इन द आर यानी ए ए मस्ट बी इन द आर यानी उसी का सेम यानी सेम ए, एलिमेंट के साथ रिलेशन आर में होना चाहिए आप देख रहे हो वन के लिए वन वन है टू के लिए टू टू है थ्री के लिए हमारे पास थ्री 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 है तो यानी यानी जितने भी एलिमेंट हमारे पास फॉर एवरी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू हमारे पास ए है इम्प्लाइज ए ए किस में बिलोंग कर रहा है बिलोंग्स टू आर है सो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव सो दिस इज रिफ्लेक्सिव दिस इज रिफ्लैक्सिव रिलेशन ऑन ए रिफ्लैक्सिव रिलेशन ऑन ए रिलेशन ऑन ए अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे सर रिफ्लैक्सिव में और आइडेंटिटी में रिलेशन क्या है क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी में सिर्फ वन वन टू टू और थ्री थ्री ही होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सी में इसके अलावा और पेयर भी हो सकता है जैसे वन टू है टू थ्री है तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है यहाँ पे रिफ्लेक्सी में लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशनशिप सिर्फ केवल तब ही होगी अगर ये सिर्फ वन वन हो टू टू हो सिर्फ अपने आप से रिलेट हो इसके अलावा दूसरे वाले नहीं होने चाहिए यानी जिसमें जैसे इसमें वन टू है और टू थ्री है तो ये नहीं होना चाहिए अगर ये आइडेंटिटी बनानी है यानी लेकिन रिफ्लैक्सी में ये चल जाएंगे वन टू भी चल जाएगा टू थ्री भी चल जाएगा लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि जो अगर वन है तो वन वन होना चाहिए टू के लिए टू टू, टू थ्री के लिए थ्री थ्री मस्ट बी इन द आर यानी जितने भी एलिमेंट ए में है उनका सेम के साथ रिलेशन आर में होना चाहिए चाहे एक्स्ट्रा बेसिक कितने भी हो ये है रिफ्लैक्सी लेकिन अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में सिर्फ वन वन टू टू और थ्री थ्री अगर वन टू थ्री तीन एलिमेंट हैं तो वन वन टू टू और थ्री थ्री ही होना चाहिए इसके अलावा अदर एलिमेंट नहीं होने चाहिए तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लैक्स रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन इट मीन्स हम सभी आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लैक्सिव कह सकते हैं यानी ये रिफ्लैक्सिव तो है क्योंकि वन के लिए वन वन टू के लिए टू टू लेकिन सभी रिफ्लैक्सिव को आइडेंटिटी नहीं कह सकते यानी ये जो रिलेशन है इसको हम क्या नहीं कह सकते हम इसको क्या नहीं कह सकते आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते यानी इससे मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि सभी रिफ्लैक्स रिलेशन यानी सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लैक्सिव है यानी नंबर वन हेयर यानी यानी टू हमारे पास पॉइंट मिलते हैं यानी ये पॉइंट हमें मिले हैं ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं नंबर दो यूनिवर्सल रिलेशन में सभी एलिमेंट आते हैं ना देखिए वन यूनिवर्सल रिलेशन है वन वन भी है इसमें टू टू भी है और थ्री थ्री भी है तो सभी यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या है रिफ्लेक्सिव है तो ऑल यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव यानी सभी यूनिवर्सल रिलेशन क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यानी जितने भी हम सेट uh, के लिए आइडेंटिटी रिलेशन करेंगे किसी भी सेट के लिए तो वो क्या होंगी हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगी यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या रहेंगे, पास? Reflexive रहेंगे. तो for reflexive. हमारे पास रिफ्लैक्सिव रहेंगे तो दिस इज़ आ फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्सिव सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे सपोज करो हमारे यानी और किसी सेट के ऊपर रिलेशन होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स अगर यहाँ वन वन टू वन टू 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 थ्री थ्री यानी ये सभी जो एलिमेंट हैं हमारे पास जितने भी रिलेशन हैं वो ए में होने चाहिए ये सभी है ना सपोज इसमें कोई एक एक्स्ट्रा एक पेयर वन फोर आ गया सपोज करो और वन फोर ए से बिलोंग नहीं करता तो हम ये कहेंगे ये रिलेशन ए सेट के ऊपर नहीं है ए सेट के ऊपर कब रिलेशन होगी अगर जितने भी रिलेशन में एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करने चाहिए यानी वन बी है टू बी है थ्री बी है लेकिन अगर वन फोर होता तो ये इस सेट के ऊपर रिफ्लैक्सिव ना होती यानी वो सभी एलिमेंट ए से बिलोंग करने चाहिए अब स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको नोट करवा रहा हूँ नंबर ऑफ कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए हैविंग एन एलिमेंट एन एलिमेंट किसी सेट ए में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी है जिसमें एन एलिमेंट हैं एन एलिमेंट्स हैं तो वो है स्टूडेंट टू रेस्ट पावर एन का स्केयर माइनस एन तो किसी सेट में नंबर ऑफ रिफ्लेक्स रिलेशन कितनी है हमारे पास अगर ए सेट में मान लो तीन एलिमेंट है यहां पे तो इसकी नंबर ऑफ रिफ्लेक्स रिलेशन कितनी होगी टू की पावर थ्री का स्केयर माइनस थ्री तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्स रिलेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है अब सिक्स रिलेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक रिलेशन तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स ए रिलेशन ए रिलेशन आर ओन ए नॉन एम सेट नॉन एम सेट ए, इज सिमेट्रिक समेट्रिक होगी किस कोई रिलेशन किसी सेट के ऊपर सीमेट्रिक होगी इफ़ ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स यदि यानी इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ इफ़ ए बी बिलोंग्स टू हमारे पास आर में है यानी अगर ए बी हमारे पास आर से बिलोंग करता है इसका मतलब अगर ए बी हमारे पास आर से बिलोंग करता है इंप्लाइज बी ए बी हमारे पास किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए तब फॉर ऑल फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए यानी सभी अगर ए बी यानी ए सेट के ऊपर अगर ये रिलेशन हमारे पास मेट्रिक होगी यानी अगर ए और बी कहाँ से होने चाहिए ए से यानी अगर ए बी हमारे पास आर में है तो बी ए किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए तब हमारे पास ये इस मेट्रिक होगी कैसे स्टूडेंट्स देखिए जैसे मेरे पास ए एक सेट है वन टू थ्री और रिलेशन है मेरे पास वन टू वन वन टू वन थ्री टू टू थ्री तो देखिए हमारे पास ये जो आर में जितने भी एलिमेंट है वो सभी ए से बिलोंग करते हैं यानी ए बी और बी बी यानी ए बी बिलोंग्स टू ए है ये सभी ए और बी जितने भी ए, ये एलिमेंट है इसमें ऑर्डर पेयर में वो सभी ए से करते हैं यानी ये जो रिलेशन इस सेट के ऊपर है क्या ये सिमेट्रिक है इसके लिए अगर वन टू है इसमें यानी वन टू हमारे पास किस में है आर में है वन टू हमारे पास आर में है बट टू वन हमारे पास आर में होना चाहिए टू वन है आर में ये देखिए वन वन का उल्टा वन वन है थ्री टू का उल्टा टू थ्री है यानी जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे पास आर में है आर में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर उनके लिए चेक करना है यानी यानी फॉर ऑल फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर जितने भी ए बी हमारे पास आर में हैं तो बी ए बी किस में है बी ए बी किससे बिलोंग करता है आर से करता है इंप्लाइज सो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव दिस इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं दिस इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन है स्टूडेंट्स की ये क्या है सिमेट्रिक रिलेशन अब अगर ये सिमेट्रिक ना होती तो हम कैसे लिखते सपोज हमारे पास आर में ये है इफ़ दिस इज नॉट सिमेट्रिक ये नेक्स्ट है इफ़ दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक तो ये कैसी होती सपोज मेरे पास ऐसे है हमारे पास कोई आर रिलेशन मेरे पास इस तरह से वन टू टू वन थ्री टू वन वन टू टू अब देखिए स्टूडेंट्स वन टू का उल्टा टू वन है वन वन का उल्टा वन वन टू टू का उल्टा टू टू लेकिन थ्री टू का उल्टा टू थ्री नहीं है तो ये स्मेट्रिक नहीं है तो इसको अब ये स्मेट्रिक नहीं है तो हमें इसको कैसे लिखना है वी हैव वी हैव यानी हमें स्मेट्रिक के लिए हमें पेयर देखने हैं जो आर में है यानी थ्री टू बिलोंग्स टू आर है क्योंकि थ्री टू का उल्टा टू थ्री नहीं है मैंने कहा है ना फोर सभी जितने भी ए बी बिलोंग्स टू आर है उनका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए यानी थ्री टू हमारे पास आर में है बट टू थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर ये आर से बिलोंग नहीं करता तो इसका रीजन हम इस तरह से देंगे सो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम रिफ्लेक्सिव अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सी नहीं होने का रीज़न भी हम इस तरह से दे सकते हैं सपोज़ हमारे पास एक ए रिलेशन है ए सेट है वन टू थ्री और आर है मेरे पास वन वन टू थ्री टू टू थ्री टू अब देखिए स्टूडेंट्स क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सी है वन के लिए वन वन है टू के लिए टू टू है थ्री यानी हम रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं यानी यहाँ से एलिमेंट लेते हैं उनका सेम पेयर यहाँ पे चेक करते हैं वन के लिए वन वन है टू के लिए टू टू है लेकिन थ्री के लिए थ्री थ्री नहीं है तो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सो हम लिखेंगे फोर इफ इट इट इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमने कैसे लिखना है तो यानी यानी टू थ्री के लिए थ्री थ्री नहीं है इसमें यानी वी हैव थ्री बिलोंग्स टू ए थ्री तो हमारे पास ए से बिलोंग करता है बट थ्री थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू ए सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम इस तरह से लिखेंगे अगर रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव अगर रिफ्लैक्सी है वो इसी तरह से लिखना है यानी फॉर एवरी यानी यानी ए ए की वैल्यू चाहे वन ले या टू ले या थ्री, या थ्री ले वन वन है टू टू है थ्री थ्री है तो ये रिफ्लेक्सिव है अगर है तो हमने इस तरह से लिखनी है अगर नहीं है मान लो किसके कारण नहीं है मान लो थ्री के कारण नहीं है तो थ्री लिया ए से बट थ्री थ्री नहीं है तो इसके कारण नहीं है तो ये हम लिखेंगे रिफ्लैक्सिव नहीं है उसको वो रीजन दे देंगे तो यानी रिफ्लैक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट चेक करते हैं यानी जैसे ए लिया हमारे पास कहाँ से लिया यहाँ से हमने ए लिया यहाँ से कोई भी एलिमेंट लिया तो उसका सेम पेयर देखेंगे हम आर में है लेकिन सिमेट्री के लिए हम क्या कर, चेक करते हैं हम आर में से पेयर चेक करते हैं जितने भी आर में पेयर हैं यानी वन टू देखा तो टू वन होना चाहिए टू वन है थ्री टू लिया तो टू थ्री है वन वन का उल्टा तो वन वन ही है तो ये सीमेट्रिक है अगर सीमेट्रिक नहीं है तो वन टू का उल्टा टू वन है, है। थ्री टू कोल्टर टू थ्री नहीं है इसमें तो थ्री टू कोल्टर टू थ्री नहीं है यानी पेयर देखने हैं हमने सिमिट्रिक के लिए अगर वो सीमिट्रिक नहीं है तो उसमें सिमिट्रिक होने के लिए हम क्या देखेंगे यानी पेयर चेक करें जितने पेयर हैं उनके उल्टे उसमें होने चाहिए तो दैट वाज वॉज दैट इज सिमिट्रिक स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सिमिट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट हैविंग एन एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एन है तो नंबर ऑफ सिमिट्रिक रिलेशन का फार्मूला हमारे पास ये है टू रेस्टर एन इंटू एन प्लस वन अंट टू तो ये हमारे पास कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये आपने ध्यान रखना है अब बात करते हैं ट्रांसटिव रिलेशन ट्रांसटिव रिलेशन क्या होगी स्टूडेंट्स ए रिलेशन आर ओन ए नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव इफ ए आर बी बिलोंग्स टू ए आर बी एंड बी आर सी implies ए आर सी इसका मतलब हुआ अगर ए बी और बी सी हमारे पास आर में है यानी ए का बी ए बी हमारे पास R में और बी सी आर में है तो ए सी भी हमारे पास R में होना चाहिए इसका मतलब हुआ इफ ए बी बिलोंग टू आर है हमारे पास एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है बी से बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज ए सी हमारे पास किस में होना चाहिए आर में बिलोंग करना चाहिए तब हमारे पास आर क्या रहेगी हमारे पास क्या रहेगी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए यानी फिर आर क्या रहेगी हमारे पास ट्रांसट्रिक रहेगी जैसे सपोज स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल यानी हमारे पास ए बी और बी सी हमारे पास दो पेयर आर में ऐसे हैं होने चाहिए पहले तो ये इनके लिए हम कब देखेंगे कि ये ट्रांसटिक है ए बी और बी सी हमारे पास आर में इस तरह के पेयर हैं यानी ए बी और बी सी इस तरह के पेयर हैं तो हम ए सी चेक करेंगे क्या वो ए सी अगर आर में है तो ट्रांसट्री अगर ए सी आर में नहीं हुआ तो ट्रांसट्री नहीं है जैसे सपोज मेरे पास यानी ए है मेरे पास एक सेट है वन टू थ्री और आर है मेरे पास एक रिलेशन वन 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 टू टू थ्री 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 वन थ्री अब देखिए और इसके साथ और भी एलिमेंट थ्री वन थ्री टू तो स्टूडेंट्स आप देखिए यानी हमने दो पेड़ लेने हैं ए और बी सी हमारे पास इस तरह के अगर पेड़ है जैसे ए बी अब दूसरा पेयर टू से स्टार्ट होने यानी ए ये बी ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला पेर टू थ्री यानी ये बी सी यानी दो पेड़ मेरे पास हैं तो ए सी यानी ए सी मीन्स वन और थ्री होना चाहिए यानी मेरे पास वन टू और टू थ्री है तो वन थ्री इसमें होना चाहिए तो वन थ्री ये रहा और अगर मेरे पास थ्री वन ए बी और बी सी वन टू यानी दूसरा पेयर हमारे पास वन से ही स्टार्ट वन टू ये दो पेयर मेरे पास आर में है तो अब थ्री टू होना चाहिए पहला और लास्ट वाला हम एलिमेंट लेंगे थ्री टू होना चाहिए र थ्री टू अब थ्री टू और टू थ्री अब थ्री टू टू थ्री तो थ्री थ्री होना चाहिए तो थ्री थ्री है यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हमने देखा ए बी और बी सी कोई भी हम दो पेयर ले लें आर में यानी इसी इस तरह के होने चाहिए यानी दूसरा पेयर बी से स्टार्ट होना चाहिए यानी ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर तो हम देखेंगे इम्प्लाइज़ ए सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है आर से कर रहा है तो दिस इज़ ट्रांसटिव अगर सपोज मेरे पास इफ़ इट नॉट ट्रांसफ ट्रांसटिव इफ़ इट इज़ नॉट ट्रांसटिव ट्रांसटिव नहीं है अगर ये तो किस तरह की होगी देखिए सपोज मेरे पास वो इस तरह की होगी वन 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 टू टू थ्री 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 वन थ्री थ्री वन तो सपोज मेरे पास ये है अब देखिए वन टू टू थ्री तो वन थ्री होना चाहिए वन थ्री है अब देखा वन थ्री थ्री वन वन थ्री थ्री वन यानी वन थ्री थ्री वन यानी ए बी और बी से स्टार्ट ऐसी तो हमारे पास वन वन है अब देखिए टू थ्री थ्री वन टू थ्री ए बी और बी तीन से स्टार्ट हो थ्री वन तो टू वन होना चाहिए तो टू वन नहीं है स्टूडेंट्स तो यानी फॉर सभी के लिए हमने देखना है यानी जो भी हमारे पास पेड़ है ए बी और बी सी की फॉर्म के दो पेड़ है तो उन सब के लिए चेक करना है तो वन टू और टू थ्री के लिए वन थ्री है टू तो थ्री और थ्री वन के लिए टू वन नहीं है टू वन नहीं है वी हैव हम रीज़न देंगे वी हैव टू थ्री बिलोंग्स टू आर है एंड थ्री वन बिलोंग्स टू आर है बट टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर सो इट इज़ नॉट ट्रांसटिव सो इट इज़ नॉट ट्रांसटिव तो इस तरह से हम ट्रांसटिव का रीज़न देंगे स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम दो पेयर देखेंगे वो उसमें होने चाहिए अच्छा दूसरा स्टूडेंट्स कई बार हमारे पास इस तरह से भी आ जाता है जैसे वन 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 टू 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 थ्री थ्री या टू टू नहीं है सपोज अब यह पूछ रहा है क्या ये ट्रांसटिव है स्टूडेंट्स ये रिलेशन ट्रांसटिव है क्योंकि ये वन टू ए बी अब बी सी हमारे पास दो पेयर तो पहले होने चाहिए अब ए बी अब मुझे ये चेक करना है ये ट्रांसटिव नहीं है तो ए बी यानी वन टू अब मेरे पास वन टू बिलोंग टू आर है ये चेक करना है क्या ये ट्रांसटिव नहीं है तो इसके लिए पहले मैं दो पेयर देखूंगा वन टू और टू टू के साथ कोई और पेयर होना है अब टू के साथ कुछ बन नहीं रहा है टू के साथ कुछ नहीं है तो यानी इट मीन्स पहले मुझे दो पेयर तो होने चाहिए तब मैं ये चेक कर सकूँ ट्रांसटिव नहीं है तो अगर वो दूसरा पेयर नहीं है तो हम ये डायरेक्ट उस पेयर के लैक में हम इसको ये कहेंगे ट्रांसटिव है तो इसको हम ट्रांसटिव रिलेशन कहेंगे तो दिस इज ट्रांसटिव दिस इज ट्रांसटिव क्योंकि ट्रांसटिव अगर नहीं प्रूव करना है तो हमारे पास दो पेयर तो कम से कम होने चाहिए जैसे हमारे पास टू थ्री और थ्री वन तो दो ए बी और तीन के साथ वन है तो टू वन चेक कर किया टू वन नहीं है तो ये ट्रांसटिव नहीं है तो टू वन नहीं है तो ये ट्रांसिटिव नहीं है तो यानी मुझे दो पेयर चेक करने होने जरूरी हैं अगर मुझे ये चेक करना है कि ट्रांसटिव नहीं है तो अगर वो दो पेयर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वो ट्रांसटिव है अब यहाँ पे सपोज करो टू थ्री है वन टू टू थ्री तो वन थ्री तो है लेकिन टू थ्री थ्री के साथ कुछ ऐसा नहीं है तो हमें थ्री के साथ कुछ दूसरा भी होना चाहिए था पेयर तो टू थ्री थ्री के साथ थ्री टू थ्री 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 तो टू थ्री तो है ही है तो यानी ये ये हमारे पास ट्रांसफी अगर ये टू थ्री थ्री वन अब टू वन नहीं है तो ये ट्रांसफी नहीं है अब इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे वन 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 टू अब ये आप लोग सोच रहे होंगे सर वन टू का टू वन नहीं है नहीं नहीं हमें ये चेक करना है वन टू टू के साथ अगर ये होता सपोज करो टू के साथ थ्री है तो वन थ्री होना चाहिए था तो वन थ्री नहीं है तो ये ट्रांसटिव नहीं है अब ये जब ये पेयर ही नहीं है हमारे पास तो हम ये कहेंगे यानी ए बी और बी से पहले दो पेयर होने चाहिए तब हम चेक चेक करेंगे वो ट्रांसटिव नहीं है लेकिन अगर वो दूसरा पेयर नहीं बनता तो हम ये कह सकते हैं वो ट्रांसटिव है हमने ये ट्रांसटिव कह देना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि यानी हमें अगर ये चेक करना है कि वो ट्रांसटिव नहीं है तो उसके लिए दो पेयर होने चाहिए अदरवाइज अगर दो पेयर नहीं है तो हम उसको ये कहेंगे कि वो ट्रांसटिव है तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स इसका मैंने वैसे तीन इंट्रोडक्शन करवा रही है इससे पहले भी मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल रखी है अगर आप बच्चों को यहाँ से समझ आता है तो बढ़िया है अगर अदरवाइज आप वहाँ पे भी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो आप इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन से भी कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास रिफ्लेक्सिव मेट्रिक और ट्रांसटिव और एक रिलेशन एक रिलेशन ए रिलेशन इज सेट टू बी इक्वेलेंस ए रिलेशन इक्वेलेंस रिलेशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं इक्वेलेंस रिलेशन ए रिलेशन इज सेड टू इक्वेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक एंड ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव एक रिलेशन को हम इक्वेलेंस कहेंगे अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है सीमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है यानी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक भी और ट्रांसटिव है तो उसको हम कहेंगे इक्वेलेंस रिलेशन अब इसके बाद आती है स्टूडेंट्स एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तो वो रिलेशन कौन सी है स्टूडेंट्स ए रिलेशन ए रिलेशन आर ऑन सेट इज एंटी सिमेट्रिक इफ़ ए आर बी एंड बी आर ए इस तरह से है ताकि ए इज इक्वल टू बी है यानी अगर मेरे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बी हमारे इम्प्लाइज बी ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए हमारे पास किसके इक्वल है बी के इक्वल है तो हम उसको कहेंगे एंटी रिलेशन तो स्टूडेंट्स अगर ए और बी हमारे पास इक्वल हैं तो हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है बी ए बिलोंग्स टू आर है बी ए बिलोंग्स टू आर बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी हमारे पास तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह जाता है वो है इक्विवेलेंस क्लासेज जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन कई बार बन जाता है तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपने वहाँ से वो वीडियो देखनी है वो छोटी सी वीडियो है तो आपने उसको जरूर देखना है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी 1.1 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच